हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आपके लिए आए हैं जो आपके त्रैमासिक एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों 24 सितंबर को दोस्तों आपको क्या है, फिजिक्स का एग्ज़ाम है क्लास 12 का। तो दोस्तों फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए वेरी IMP क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको जो आपका जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के हम लाए हैं जो कि आपके पिछले कई सालों से आ रहे हैं और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो संभावनाएँ हैं आपके त्रैमासिक एग्ज़ाम में आने की, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जुलाई में जो आपका जो मासिक टेस्ट भी हर महीने लिए जाते हैं दोस्तों आपके, तो मासिक टेस्ट का सिलेबस अलग होता है लेकिन त्रैमासिक का आपको सितंबर तक का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जुलाई का देख सकते हैं, अध्यायिकता, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो आपका अगस्त का था, उस स्थिर वैद्युत विवाह तथा धारिता था और अध्याय 3 था विद्युत धारा। फिर नेक्स्ट चैप्टर था दोस्तों जो कि सितंबर महीने की बात करें तो अध्याय 4 गतिमान आवेश और घनत्व। तो दोस्तों इन सभी चैप्टर को कंबाइन करके हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का दोस्तों इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात, और दोस्तों दूसरी बात ये आपके पिछले जो आपके फाइनल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें लिखनी है, ठीक है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद आता है वैद्युत क्षेत्र से क्या तात्पर्य, यानी कि दोनों को आपको डेफिनेशन ही लिखनी है। दोस्तों अगर इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो इसमें से पूछ लिया जाएगा, अगर बाई चांस 4 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों आप सभी को पता है कि आपसे पहले तो डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन के बाद आपसे कोई भी व्यंजक पूछ लिया जाएगा, या तो दोस्तों आपसे अक्षय स्थिति का व्यंजक पूछ लिया जाएगा या दोस्तों आपसे क्या निरक्षीय स्थिति का व्यंजक पूछ लिया जाएगा। इसलिए आपको डेफिनेशन करना अनिवार्य है, 2 अंक में भी आएगा, अगर 4 में भी आता है तब भी डेफिनेशन आपसे पूछी जानी है, निरक्षीय का भी आ सकता है और क्या अक्षय स्थिति का भी व्यंजक आ सकता है, ठीक है। फिर आता है कूलाम का वैद्युत संबंधी नियम लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपको कूलाम का नियम बनता है, एक साथ साथ कूलाम के नियम की सहायता से गॉस के प्रमेय प्रकार का जो क्वेश्चन है वो भी आपका बनता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी को अगर कर लेंगे दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, चाहे आपका त्रैमासिक हो दोस्तों, चाहे आपका हाफ ईयरली का हो, चाहे दोस्तों आपका फाइनल एग्जाम हो, अगर आप पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों पास लायक नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लगभग 30 से 40 नंबर के जो आपके अंक रहते हैं दोस्तों वो पिछले साल पिछले लगभग 4 या 5 साल के क्वेश्चन नहीं रहते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी आपके आते हैं, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए, यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे आप अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छे तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT, GV मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE, आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन जो कि आपका विद्युत विभाग को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक व विमीय सूत्र भी हमें लिखना है, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो विद्युत विभाग होता है इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, ठीक है, या विद्युत विभाग का विमीय सूत्र लिखिए, किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, बस आप तैयार रहिए, बस अपनी परीक्षा जो आपकी प्रिपरेशन है उससे अच्छी तरीके से रखिएगा, ठीक है। फिर आता है दोस्तों वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, जो वैद्युत आवेश होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसमें भी आपको डेफिनेशन लिखनी है। फिर आता है कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होता है, और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर आप इसकी पीरियड लर्न करना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए और यहाँ पर जो आपको लिख रहा है HKTeach.com, तो दोस्तों गूगल पर जाकर आपको सर्च करना HKTeach.com क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको क्या है इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, दोस्तों 21 वर्ष से ज़्यादा छात्र टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जाइए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर देखिए विद्युत सेल किसे कहते हैं, जो सेल होता है उसकी डेफिनेशन बताने के, विद्युत सेल हम किसे कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए विद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, अनुगमन वेग क्या है। तो दोस्तों अनुगमन वेग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अनुगमन वेग। उसके बाद आता है ओम का नियम, दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओम का नियम दोस्तों कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है ओम का नियम, दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप उस तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आता है संभव प्रश्न, ठीक है, तो दोस्तों संभव प्रश्न किसे कहते हैं, संभव प्रश्न के गुण भी लिखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो इसे भी अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। संभव प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है
किलो वाट से क्या तात्पर्य है। उसके बाद आता है अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। दोस्तों ये भी फाइनल एग्जाम में कई बार आपका आ चुका है, चलिए अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर आता है विमा मापी का सिद्धांत बताइए, ठीक है ये भी आपका आ चुका है। फिर आता है संधारित्र का श्रेणीग्रम संयोजन, दोस्तों ये भी आपका आया है, लेकिन एक के साथ में आता है संधारित्र का श्रेणीग्रम और समांतरग्रम दोनों संयोजन आए थे किसी फाइनल एग्जाम में आपके किसी ईयर, ठीक है। फिर आता है वैद्युत फ्लक्स को विस्तार से हमें समझाने की वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लेके आने, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है दोस्तों उसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है, तो इसे भी दोस्तों आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चाहते गए हैं। और दोस्तों अगर आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।